गाइस गणपति बप्पा मोरिया। तो आज गणपति बप्पा की का चौथा दिन है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं नहाकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं, चल के पूजा करते हैं। गणपति जी।
का हो गया है, अब चल के चाय बनाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और अनमैचिंग ब्लाउज में पहनी क्योंकि इसकी ब्लाउज मुझे फिटिंग नहीं आ रही थी, अनकंफर्टेबल लग रहा था। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, तो चाय है, बिस्किट है और पराठा है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलेंगे। तो हो गया है हम लोग का ब्रेकफास्ट और आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा और अच्छे से रेडी हो गई हूँ, और पूजा करने के टाइम थोड़ा रेडी होने का टाइम नहीं मिलता है, बस कुछ नहीं काजल लगाई हूँ तो। और ब्रेकफास्ट हो गया है, अब चल के लंच बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू शावर लेना ना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कंटिन्यू हो जाता है, तो हम लोग लंच भी बना लेते हैं और उसके बाद से फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, मैं लंच बना के तुरंत मिलती हूँ फटाक से। तो हो गई है इवनिंग का टाइम और यहाँ बारिश भी हुई दोपहर में बहुत तेज़, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई, 5 मिनट, बहुत ज़्यादा 5 मिनट ही हुआ, वो उससे ज़्यादा नहीं। और मौसम तो थोड़ा चेंज हो गया है और इवनिंग का टाइम हो गया है और पूजा का भी टाइम हो गया है, और चलते हैं, चल के भगवान का बर्तन धो लेते हैं। और फिर आज मैं सोच रही हूँ कि भगवान को आज बेसन का हलवा बना के भोग में लगाया जाए, भोग लगाना बोलते हैं ना, तो चलिए चल के हलवा बनाते हैं और पूजा करते हैं शाम वाली। आ गई हूँ मैं किचन में, चलिए मेरे साथ बेसन का हलवा बना लीजिए, चलते हैं बनाने। को रख दी हूँ मैं गैस के ऊपर और इसको थोड़ा गरम होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है और इसमें अब हम डालते हैं घी। अरे यार, आप लोग देख सकते हैं कि घी मैं डाल दी हूँ और जरूरत पड़ेगी और डाल देंगे। और में जाएगा बेसन, अब ये भी नहीं निकलेगा, निकाल लो यार, एक हद से ब्लॉग बना रही हूँ मैं, निकल जाओ। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बेसन डाल दी हूँ मैं, ज़्यादा हलवा नहीं बनाना है, फिर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया, कोई नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि हलवा एकदम रेडी है, चल के भोग लगा देते हैं। चलिए, इसमें तो काजू डालने में मैं भूल ही गई, काजू डाल देते हैं। हलवा इज रेडी, चलो चलिए पूजा कर लेते हैं। आरती हो गया है, और अब हम भोग चढ़ा देते हैं, जो हम लोग प्रसाद बनाए थे हाथ से वो चढ़ा देते हैं। हमारा पूजा हो गया है, इवनिंग की पूजा हो गई, अब चेंज कर ले। तो गणपति जी के दर्शन के साथ बोल दो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और
यहीं अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गाइस हो गई है रात और हम लोग डिनर भी कर लिया, अब सोने का टाइम हो गया है, तो मैं ब्लॉग एंड नहीं की थी तो अभी मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ और आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल के फ्रेश नए ब्लॉग में गणपति जी के पूजा के साथ। तो बने रहिएगा कल के ब्लॉग में और देखते रहिए मेरा ब्लॉग और शेयर भी कीजिए अपनों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।